हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या टिप्स अपनानी चाहिए, क्योंकि आज के समय में न्यूली मैरिड कपल्स क्वालिटी टाइम गुजारने के साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी और बच्चे का जन्म कुछ लोगों को खुशी तो कुछ के दिमाग में डाउट खड़ा कर देता है। प्रेगनेंसी आपकी उम्र पर भी डिपेंड करती है। जिन महिलाओं की कम उम्र में शादी हो जाती है उन्हें बच्चे की जिम्मेदारी को लेने से पहले घबराते हुए भी देखा गया है। कभी कभी ये डिसीजन फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी जुड़ा होता है, लेकिन बाद में जब वो कपल्स फैमिली प्लानिंग करने के लिए फाइनली तैयार होते हैं तब उनको लगता है कि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में इसलिए कपल्स को बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि वो प्रेगनेंसी के लिए सही समय और सही तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनमें पीरियड्स के कितने दिन बाद उन्हें रिलेशन बनाना चाहिए। इसलिए इन सवालों का जवाब आपके लिए मैं यहाँ इस वीडियो में लेकर आई हूँ, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि पीरियड नॉर्मली हर 28 से 30 दिन के बाद आते हैं, जिसे हम रेगुलर पीरियड कहते हैं। यदि आपको 30 दिन से ज़्यादा दिनों के बाद पीरियड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो फिर ये चिंता वाली बात हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने ओव्यूलेशन का टाइम देखकर रिलेशन बनाना चाहिए। ओव्यूलेशन का मतलब उस टाइम से होता है जब महिला की ओवरीज में अंडा बनता है और वो वहाँ ओवरीज से होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है, जहाँ वो यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए पुरुष के स्पर्म का इंतजार करता है, जिसमें अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओव्यूलेशन का टाइम हर महिला की बॉडी के हिसाब से सभी में अलग अलग होता है। ओव्यूलेशन पीरियड महिलाओं में नॉर्मली 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन से 19वें दिन के बीच में होता है। उसी प्रकार महिलाओं को उनके नॉर्मल पीरियड भी 4 से 6 दिन तक हो सकते हैं, जिसमें 4 से 6 दिन तक ही हल्की या तेज ब्लीडिंग होती है। अगर आपको ये ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक हो रही है तो ये नॉर्मल पीरियड के लक्षण नहीं है, तब आपको इस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि पीरियड आने के बाद 12 से 18 दिन के समय के बीच में आप रिलेशन बनाते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पीरियड के बाद बच्चेदानी का मुंह इसी ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा खुला रहता है। इसे ही हम ओव्यूलेशन का पीरियड भी कहते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में ये जान लिया है कि पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाना चाहिए। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट होने का प्रोसेस क्या होता है और प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होती है। तो दोस्तों, जब पुरुष का स्पर्म महिला की बच्चेदानी में मैच्योर अंडे को फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद फर्टिलाइज अंडा यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही कंसीव करना कहा जाता है। इस प्रोसेस के सही तरीके से होने के लिए स्पर्म सेल को महिला के प्राइवेट पार्ट से होते हुए सर्विक्स के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में सही समय रहते पहुँच जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस के बाद ही मैच्योर अंडा फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ओवरी से यूट्रस तक का सफर तय करता है और यूट्रस की वॉल पर चिपक जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। ये एक सटीक उपाय है, क्योंकि कई बार ओव्यूलेशन का सटीक पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आपके प्रेग्नेंट होने के लक्षण पीरियड के बीच में ही कुछ दिनों बाद नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन का प्रोसेस लगभग 12 से 24 घंटे तक चलता है। अगर आप उसी समय रिलेशन बनाते हैं तो फर्टिलाइज होकर आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।